हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से, जो आपका सीजीएल का था 18 जुलाई को हुआ था 11:45 से लेके 12:45 तक। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन कौन सा है, किस तरह से आए आपके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है इतना इतना, तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कितनी होगी। तो देखो, अगर जब एरिया दिया जाता है तो हम सिंपल सा सोल्व करते हैं क्या कि इनका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, बस आपके क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी, क्योंकि जो एरिया होता है वो साइड का मल्टीपल होता है, तो डबल मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 196 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, अगर सिंपल तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपका, बोला कि सेक थीटा और टेन थीटा का एडिशन 5 है, तो टेन थीटा कितना होगा इसमें से। तो आप चेक करोगे कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, और sec थीटा प्लस tan थीटा कितना बना देगा, 1 बना देगा, जब इसकी वैल्यू क्या 5 है और इसकी वैल्यू क्या 1/5 हो जाएगी। ठीक है, जब ये तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो अब माइनस की जगह आप क्या क्या यूज करिए, हमें tan चाहिए, अगर हम प्लस करेंगे तो tan से tan कटेगा, तो हमें sec निकालना, तो sec को माइनस करो, इसको प्लस कर दो और इसको भी माइनस कर दो, तो ऐड करो, sec से sec कट जाएगा, तो कितना है, 2 tan थीटा, जो कि आपको क्या देगा, 5 माइनस 1/5 देगा, तो 25 और माइनस 1 करोगे तो 24, 24/5 आ जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू 2 से कट करो कितना आ जाएगा, 12, तो 12/5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक रेशियो दिया गया लेंथ का इक्वल साइड का और थर्ड साइड से, आसो मतलब जिसकी दो भुजा सेम हो, 3/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया, तो लेंथ और थर्ड ट्रायंगल बताना है। तो मान लीजिए, ये कोई साइड है, ठीक है, ये 5x मान लेते हैं, ये 3x, 3x राइट, तो इसके एरिया निकालना, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा, राइट। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 या फिर 2/5, सॉरी 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये भी 5/2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब 90 डिग्री पर यूज करोगे तो 3x का स्क्वेयर, 3x के स्क्वेयर में से माइनस कर दो 5/2x का स्क्वेयर, ये काम आपको करना हो, स्क्वेयर रूट करना है, तो कितना आया, 9x स्क्वेयर माइनस 5/2, 25/4, 25/4x का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट करो, तो ये 4 निम्न 36 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 36 में से 25 गया तो 11x²/4, स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स और 2/2 अंदर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 11 रह जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए, ये आपकी हाइट आई है, ये आपकी क्या आई है, हाइट, तो 1/2 बेस कितना आपका 5 है, पूरा कितना है, पूरा 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5x इंटू में क्या, हाइट, हाइट कितना दे रखा है, √11 इंटू में x/2 दे रखा है, इज इक्वल टू, जो कि बराबर है किसके, इसके बराबर है, तो √11 से √11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, और ये 5 5 है, ठीक है, तो 5 से कितना चला जाएगा, 6 पर, और 2 2 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर इंटू 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा, 2 बाहर और √6 अंदर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये है, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड बताने, तो थर्ड साइड कौन सी, 5x, तो 5x आपको निकालनी है, 5x मतलब 5 × 2 √6, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 √6 आपको क्या जाएगा, सीधा साधा आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या बोला गया इसने? और कर लेते हैं भाई, चलो देख लो। हाउ मेनी प्लांट मैन्युफैक्चर बाय प्लांट बी इफ टोटल प्लेट आर इतना है। अगर टोटल प्लेट 3260 है तो ये प्लेट रही, ठीक है, तो 100% यहाँ पर पूरा कंप्लीट 100% है, जिसकी वैल्यू क्या 3260 है। तो क्या चाहिए प्लांट बी के द्वारा कितनी प्लेट है? प्लांट बी कैसा कलर है दे रहा? ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर को चेक करिए आप यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा वो आपका लगभग लगभग कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर आपको 60 दिखाई दे रही है, ये 60 वाली लाइन और ये आपकी 20 वाली लाइन है, अगर आप ये चेक करोगे तो, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है? 40% का। तो 40% की वैल्यू हमें चाहिए, 100% की वैल्यू आपके पास कितने दे रखे? 3260 दे रखे। 40% कैसे निकालोगे? 40 से पहले हम क्या निकालते हैं? 20% निकाल लेते हैं, 5। ये काम करो ना आप, तो अब बस 40 निकालना है। क्या करना है? गुना 4 ही तो करना है, इधर भी 4 गुना कर दो। 4 6 24, 4 2 8, 4 3 12, 1306 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। चेक कर लो, 1304। अरे 4 6 24 होता भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करो, 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा। 1 by, चलो हम क्या कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू जो 45 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से 1/sin 45 हो जाएगा प्लस 1/tan 45 हो जाएगा। अरे इतना क्यों कर रहा हूँ मैं सोच, तो यहाँ से 45 पुट करोगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, यहाँ पर भी 45 45 45, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2, तो रूट टू ऊपर आ जाएगा प्लस में 1, और 1/√2 क्या हो जाएगा? रूट टू ऊपर आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस कर दो 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है, इरन बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, एज सेम एज परसेंटेज लॉस दिया गया, मतलब जितने में हमने 2000 में खरीदा जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस भी बताया गया 1200 रुपये में जब हमने खरीदा होगा। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल मे के प्रॉफिट 20%, 20% प्रॉफिट बनाने के लिए हमें वो आर्टिकल की वैल्यू चाहिए। देखो मान लो अगर हम मुझे पीछे जाना, तो प्रॉफिट को माइनस करोगे एसपी माइनस, देखो सीपी क्या होता है, सीपी आपकी 2 कंडीशन पर आता है, एस माइनस एसपी माइनस प्रॉफिट, या फिर एसपी प्लस लॉस, ठीक है। इन दोनों कंडीशन पर आपका क्या आएगा? सीपी आएगा। तो यहीं पर हम बनाने वाले हैं, एक्स एक्स का प्रॉफिट हुआ इज इक्वल टू 1200, अरे माइनस आएगा 2000 में तो माइनस आएगा भाई यहाँ, और 1200 में प्लस एक्स, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई? 400। तो आप देखोगे सीपी कितना आया, सीपी आप देखोगे, सीपी या तो इसमें माइनस कर दो या इसमें प्लस कर दो, तो 1600 आपका राइट आंसर दे देगा सीपी का। सीपी अब क्या है? 100% की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना है? 20% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, क्या करोगे? तो 1% की वैल्यू निकालो, तो 1% की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो कितना है? 16 आ जाएगा, और 120 की चेक करोगे तो 19 10 20 आपका राइट आंसर दे देगा, 19 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। चाहे आप इस क्वेश्चन को क्या करो, रेशियो से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच नंबर अमाउंट इज डिविजिबल बाय 7, इनमें से कौन सा नंबर जो 7 से डिवाइड हो। तो देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम ज्यादातर लगाते नहीं, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो चेक करो 7 से इसको डिवाइड करोगे,
21, 3, 9, 7, 5, 35, 4, 6, 7, 6, 42, 4, 3, नहीं जा रहा कंप्लीट। 7 से डिवाइड करो, 7, 21, 7, 5, 35, 4, 7, 7, 7, 6, 42, 5, 3, ये भी नहीं जा रहा। तो 7 से डिवाइड करो, 7, 21, 7, 5, 35, 4, 8, 7, 6, 42, 6, 3, ये कंप्लीट चला गया। आगे चेक करो, 7 से 7, 21, 3, 9, 7, 5, 35, 4, 9, और 7, 7, 49, 3 बच गए, ये भी नहीं जा रहा। तो ये क्यों, ये बचा है 24,983, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x क्या होगा? तो देखो ये जो है ना, 11th के फॉर्मूले दिए गए हैं आपको, और 11th का फॉर्मूला देख लो कैसे है। तो आपने सी और डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो साइंस वाले हैं वो अच्छे से कर जाएंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, जो कंडीशन यहाँ पर दिखाई जा रही है सेम कंडीशन होगी, साइन सी प्लस साइन डी का। ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, 2 sin C + D डिवाइड बाई 2 cos C - D डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है इधर। तो साइन टू एक्स कितना हो जाएगा, 2 sin, सॉरी भाई, जो ये आइडेंटिटी लिखी है मैंने, ये कहाँ अप्लाई होगी, तो यहाँ पर sin 2x पर, sin 6x पर। तो 2 sin 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 8x, 8x का आधा कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, cos 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, डिफरेंस करोगे तो 4x। ठीक है, 4x, और 4x का आधा 2x हो जाएगा, प्लस में 2 sin 4x हो जाएगा कॉमन, ये आपकी बार लास्ट में लिख दिया। तो 2 sin 4x कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचेगा, 1 + cos 2x बचेगा। ठीक है, और अब आपको पता होगा 2 sin 4x क्या पता है, कि 1 + cos थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, 2 cos²θ/2 होता है, राइट। तो यहां से 1 + cos 2x जो हो गया, या थीटा हो जाएगा, तो यहां से जो आएगा मल्टीपल 2 cos²x आ जाएगा, क्योंकि 2 बीच ऊपर नीचे दे रखा है तो आ जाएगा। तो 4 क्या आया, 4 sin 4x cos²x, ये मेरा सॉल्यूशन आया, बिल्कुल ऊपर वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वाई की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इजिकल टू इसका मल्टीप्लाई, y² = 405 × 125 हो जाएगा। सोल्व करिए, तो ये कैसे सोल्व करो भाई, फैक्टर बनाने पड़ेंगे इधर। ठीक है, तो ये 125 का बना रहा हूं पहले, तो राइट, पहले हम के 125 के लिख रहे हैं। 125 का क्या होता है, 25 × 5 होता है, इधर से भी 5 निकाल लिए, 5 8 1 × 81 हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू अगर निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। तो 25 निम्न कितना होता है, 225, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुलिस मैन फॉलो करता है एक थीफ को, जो कि 600 मीटर दूर है पुलिस मैन से। पुलिस मैन थीफ की तरफ भागता है 10 की स्पीड से, और थीफ जो 8 की स्पीड से। तो पुलिस मैन कब तक पकड़ेगा, टाइम बताना है मिनट के अंदर। पुलिस थीप 600 मीटर, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2 सेम डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, अंतर आ जाता है 10 और 8 का। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस होता है 10 और 8 का। तो टाइम कितना लगेगा, ये स्पीड है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लो, 600 मीटर है, दो 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 की स्पीड से, इसको हम क्या बनाएंगे, किलोमीटर पर आवर बनाएंगे, सॉरी टाइम को घंटे में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो, सोल्यूशन आ जाएगा। 2 × 5 = 10, 1 0 कट गई, और कितना है अपना, 1 0 कट गई,
ये तो आया था आपका सेकंड में, जो भी आंसर आएगा ना वो सेकंड में आएगा। मिनट के लिए 1/60 मल्टीप्लाई कर दो, 60 से 60 कट कर दो हो जाएगा, तो कितना आंसर आया आपका 18। तो सीधा शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करके देखा है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 36, 36 किससे डिवाइड होता है, एक तो 9 से होता है, एक 4 से। तो 4 से चेक कर लो, जो लास्ट के दो डिजिट है ना 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ये नहीं हो रहे कट कर दो। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 से मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 हो जाएगा, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 और 3 9 9 18 और 3 21, नहीं होगा 9 से। 8 और 7 15, 15 और 10 25, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा वो आपका राइट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमर जो है कंप्लीट करता है 15 दिन में, प्रेम जो है 12 दिन में उसी गांव को। अमर 15 दिन में, प्रेम 12 दिन में। अमर स्टार्टिंग करता है और अल्टरनेट डे काम करते हैं। एलसीएम कितना आया 60, तो 1500 के 60, 1200 60, ठीक है। तो अल्टरनेट डे करते हैं, तो अमर से स्टार्टिंग है, तो पहले क्या किया, पहले दिन 4, सेकेंड डे 5, तो कितना हुआ 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम हुआ। 9 को आप पहुंचाओ किसके करीब, 60 के करीब। 9 5 45, 9 6 54, तो 54 और 9 7 63, तो 6 पता चला गया, मल्टीप्लाई 6 कर दो 54, इधर भी मल्टीप्लाई 6 करो 12, 12 दिन में कितना काम हो गया, 54 काम हो गया, ठीक है। 54 काम हो गया, कितना बचा, 6 काम बचा। अब कौन करेगा, देखो अमर ने भी कर दिया और अब तक प्रेम ने भी कर दिया, अब बारी किसकी, अमर की। अमर एक दिन में कितना काम कर रहा, 4, तो एक दिन और ले लो, 4 काम हो गया, तो 2 काम बचा, ठीक है, 2 काम बचा, तो 13 दिन में कितना हो गया, 4 और ऐड कर दो, 58 काम हो गया, तो कितना बचा 13, 2 काम बचा, कौन करेगा, प्रेम करेगा, प्रेम की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 नीचे लगा दो, तो आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ए और बी अकेले काम करते हैं 4 और 9 दिन में, तो ए आपका 4, बी आपका 9 दिन, एलसीएम जो आएगा वो 36 आएगा, तो 4 निम्न 9 चौक 36, ठीक है। तो कितने दिन बोला है कंप्लीट होने में, वर्क को अल्टरनेट डे करेंगे स्टार्टिंग, बी से बी ने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे जो है वो 4 करेगा, सेकंड डे जो है वो 9 करेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। 2 दिन में कितना काम हो गया, दोनों को ऐड करो 13 हो गया, 13 को 36 के नजदीक पहुंचाओ, तो 13 दूनी 26 हो गया, क्योंकि 13 3 39 होता है, ज्यादा चला जाएगा। इधर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 4 डेज हो गए, तो 36 में से 26 काम तो हो गया, 10 काम बचा है, तो बी ये पहले बी ने स्टार्ट किया फिर ये ने, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बी वापिस आएगा और बी 4 काम करेगा, बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, कितना हो गए 30 हो गए, 5 दिन में कितना काम हो गया, 30 काम हो गया, बचा कितना 6 काम बचा अभी भी, क्योंकि 36 है, तो 6 बचा, कौन करेगा, ए करेगा, ए की एफिशिएंसी 9 है, तो 5 से ही 6/9 हो जाएगा, 6 को कट करोगे 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, बोला कि 2 क्वांटिटीज है एक्स वाई की, प्राइसेस ये दे रखे हैं पर केजी के, रेशियो 7 और 20 की है, तो प्राइस क्या होगा, मिक्सचर ऑफ पल्सेस प्राइस बताना है, ठीक है। मान लो 7 और 20 का रेशियो दे रखा है, एक्स का ये है वाई का ये है, तो ये 100 रुपए की और ये 150 रुपए की, ठीक है, राइट। तो हमें किसका बताना है, व्हाट प्राइस ऑफ द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, तो व्हाट इज द प्राइस, प्राइस क्या होगा मिक्सचर ऑफ पल्सेस का। तो देखो पहले तो हम ये क्या 100 रुपए, ये 150 रुपए, तो अगर 100 रुपए को मैं लेके चलूं तो अगला मिक्सचर कितने का है, 150 का है, तो कितना ज्यादा, 50 ज्यादा है, कितने रेशियो पर, 20 रेशियो पर है, ठीक है, और ये 50 ज्यादा 20 रेशियो पर, टोटल क्वांटिटी कितनी, 27, तो आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी आपके रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, तो रुपए रुपए हो गए दोनों, ठीक है। तो यहां से 2700 आ गया, प्लस में कर दो कितना, 1000,
डिवाइड बाय 27, तो यहां से कितना आ गया 3700 डिवाइड बाय 27, 27 से कट करोगे तो 27 से कम 27, 100, 27 तीये 81, 19 190, तो 27 पंजे तो 135 होता है, तो ज्यादा ही चला जाएगा, ठीक है, और ज्यादा चला जाएगा, तो ये तो कट गया, ये तो वैसे कट गया, और 136, तो 7 से ट्राई करो, 7 7 49, 7 2 14 और 4 189, ठीक है, 189, तो 137 के करीब आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि एक्स माइनस वन बाई एक्स जो है -6 है, तो एक्स फाइव माइनस वन बाई एक्स फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहां से एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आएगी उसको हम माइनस कर देंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स को, तो यहां से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना आया, -6 का स्क्वायर कर दो, -6 का क्या करो क्यूब कर दो, और प्लस में 3 × -6 करो, -216 प्लस में सॉरी माइनस में 18 कितना आ गया, यहां से 234 आया माइनस का, तो 234 माइनस का तो ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर करना है, तो काम क्या करेंगे, 6 का स्क्वेयर कर दो और प्लस में 2 कर दो, कितना आया 36 प्लस, तो आपका कितना आ गया 38 आ गया, 38 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो और माइनस माइनस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ठीक है, ये आपको सॉल्व कराना है, तो नियरेस्ट आंसर दे रखे हैं बिल्कुल, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसमें, तो करते हैं, तो मैं थोड़े कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो 40 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 4 6 16, 4 3 12 और 4 2 8, माइनस में कर दो 2, क्योंकि 38 है ना, तो मैंने 38 को क्या बोला 40 माइनस 2 बोला, ठीक है, तो माइनस करो 8 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, ओके, 5 में 6 गए 9 और 12 में से 4 गए 8, 8 88 90 आ जाएगा इसका मल्टीपल, 88 92 प्लस 6 करोगे तो -88 86 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपकी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि परसेंटेज इंक्रीज होगा ऑफ एक्स वाई जेड फोन का, एक्स वाई जेड जो भी है 2019 से 2020, तो 18 से 40 गया, तो 18 से 40 कितना हो गया आपका 22 हो गया, तो 22 इंक्रीज हुआ है कितने पे, 18 पे, 2 से कट करो 11, 2 से कट करो 9, 11/9 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होगा कि 1 1.11 होती है, तो ये तो 11 का मल्टीपल कर दो, तो 11 121 पॉइंट समथिंग जाएगा, 121 पॉइंट समथिंग, तो भाई बिल्कुल नजदीक नजदीक आंसर दे रखे हैं आप, तो 121 और 121 21.221, 122 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 122 पॉइंट समथिंग आपका ये राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, एक फैक्ट्री में 48% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, जो फैक्ट्री में 48% नंबर ऑफ मेल है वो इक्वल है 2/3 ऑफ फीमेल वर्कर, ठीक है, तो रेशियो ऑफ नंबर बताना है मेल्स के फीमेल्स के साथ फैक्ट्री में, ठीक है, ये निकालो, ओके, मेल वर्कर टोटल कितने हैं, 48 हैं, 48% है, ठीक है, 48% मान लो वर्कर कितने हैं 100, तो उसमें से 48 तो ये हो गए, और जो कि बराबर है 2/3 ऑफ फीमेल, राइट, तो यहां से फीमेल कितने निकल के आई, फीमेल कितने निकल के आई, कट करो 24, तो फीमेल यहां से जो कट आएगी 72 आएगी, ठीक है, 72 आ गई फीमेल, और बस मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है, अच्छा ये मेल मान लेते हैं, ठीक है, मेल को मान लिया,
तो मेल कितना है 100 है, फीमेल कितनी है, बेहतर है 4 से कट करो 25, 4 से कट करो 18, तो 25/18 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ABC 19 है, ये आपका 155 है, तो ये आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। A² + B² - 2AB + B² - C² + सॉरी 2 - C² + A² - 2CA। तो यहां से कॉमन आ गया 2A² + B² + C² अगर मैं इनको 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 ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लो, जब इनको 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 ऐड कर दो तो AB + BC + CA ये आ जाएगा, ठीक है। ओके तो वही निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी है 155, तो 2 गुना 155 तो यहां पुट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ का अगर हम स्क्वेयर करें तो ये आपकी वैल्यू निकाल देंगे, तो स्क्वेयर करो तो 19 का स्क्वेयर 361, जो कहता कि A² + B² + C² + 2AB + BC + CA, तो ये उधर चले जाएंगे 155, 155 माइनस करो 6 0 206, ठीक है 206 इस पूरे की वैल्यू, तो -206 करना आपने, तो 155 गुना 2 310 - 206 करना, तो कितना आ जाएगा 104 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट दे रखा है 35% का 3600 पर, टू सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है सेम अमाउंट पर, तो डिफरेंस बताना है। चलो तो यहां से सेम है तो x+y - xy/100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 35 + 5 - 30 * 5/100, 0 से 0 35 - 1.5 आ गया 34.5 आ गया, ठीक है। तो 35% और 34.5% की वैल्यू के बीच में कितना आ गया फिर 0.5%। अगर 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू 36 है, तो 0.5% की चाहिए हमें, तो कितना हो जाएगा आधा परसेंट, कितना हो जाएगा 18, तो भाई यहां से तो गलत आ गया, तो क्या गलती इधर देख, अरे ये 33.5 होना था, ठीक है ये 33.5 होना था, 1.5 आ गया, ठीक है आधा कितना 18, तो 1 कितना 36, तो 1.5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कर दो, इधर भी तो 3 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, 54 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक के कारण गलत हो गया, तो मिस्टेक प्लीज ना करें आप भी। तो राजा और रॉक की टूगेदर कंप्लीट करते हैं पेंटिंग वर्क को 5 दिन में, टूगेदर बोथ डे स्टार्ट पेंटिंग, आफ्टर 2 डेज रॉक की सिक हो बीमार हो गया और छोड़ दिया काम को, राजा कंप्लीट करता है सारे काम को 4 दिन में, ठीक है भाई। नंबर ऑफ डेज बताना, रॉक की अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप चेक करिए, अगर मैं टोटल काम देखूं कि राजा और प्लस रोक के दोनों मिलकर काम करते तो कितना काम 5 दिन में कंप्लीट कर देते, ठीक है ओके। लेकिन रिमेनिंग वर्क किस तरह रिमेनिंग आएगा, 2 दिन तो इन्होंने काम किया, 2 दिन तो इन्होंने काम किया, 2 दिन काम किया तो बचा कितना दिन का, 3 दिन का, ठीक है। ये कौन करेगा, राजा अकेला कर रहा है, राजा अकेला करेगा, ठीक है। तो 3A 3RA + 3RO इजिकल टू 4RA, तो 3RO और RA इक्वल हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगा, तो राजा बटे रोक की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/1 आ गई, याद रखना 3/1 आ गई। टोटल काम पूछा, रुक जाओ, फाइंड द नंबर ऑफ डे इन विच रोक की अलोन कैन डू द सेम वर्क, रोक की अकेला होता तो कितने दिन में खत्म करता, तो ये टोटल काम बनाओ पहले, तो राजा का काम की एफिशिएंसी कितनी, 3, और रोकी की 1 * 5, और डिवाइड बाय कौन रोकी करेगा, रोकी की एफिशिएंसी कितनी 1 है, तो यहां से 4 गुना 5/1 कितना हो जाएगा 20 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप ये अभी इसके लिए अभी इस चीज को छोड़ दो, तो मैं आपको सीधा साधा बता रहा हूँ, ये आपके प्रिंसिपल होता है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनियस,
तो ट्रिपल एट पढ़ा होगा, 3 5, 3 4 5 का, तो 4 आपका क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। शेक क्या बोला है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी मतलब एच कितना 5, बेस कितना 4, तो 5/4 आपका आंसर जा ही जाएगा। ये लो, एक ही ऑप्शन में 5/4 है। बाकी थर्ड क्वाड्रेंट है, चेक कर लो, यहाँ पर छह कैसे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, कोट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए माइनस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ए और बी काम करते हैं 5 और 10 दिन में, तो दे बिगेन वर्क टूगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 7 डेज, बी फिनिश बाकी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। चलो भाई, ए बी 5 और 10, ये लो 10 एफिशिएंसी, 10 टोटल काम आ गया, तो 2 एफिशिएंसी ए की, 1 एफिशिएंसी बी की। बी फिनिश करता है किस एक काम को 8 दिन में। ठीक है, मान लो तो फिर चेक करो, 10 काम टोटल है। ठीक है, 10 काम क्या है, टोटल है, तो ए ने बताने कितने दिन के बाद छोड़ा, लेकिन जब तक ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा, जबकि 8 काम 8 दिन में बी अकेला कर रहा, तो बाकी बचे दिन में 8 दिन लगातार करेगा, तो कितने काम हो गए, 8, बचा कितना काम, 10 माइनस 8 2। ठीक है, ये 2 काम जो है ना मिलके किए होंगे, किसने, दोनों ने मिलके किए हैं, देख लो, दे बिगन वर्क टूगेदर, एक साथ काम कर रहे, उसके बाद ये छोड़ा, तो एक साथ कितना काम हो रहा है, 3, तो 2 काम बचा है 3 के हिसाब से, तो इतने दिन के बाद इन्हें इसको छोड़ दिया, तो 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि डिस्टेंस कर रहा है 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम और रोवर टेक कर रहा 12 घंटे, इट टेक हर ओनली 9 आवर टू रो सेम डिस्टेंस डाउनवर्ड, तो अपस्ट्रीम में 144 किलोमीटर गया 12 घंटे लेकर, 9 घंटे लेता है सेम डिस्टेंस में डाउन स्ट्रीम में, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानते हैं, वाई, और एक्स जो होते हैं वो आपके जो भी अलग अलग चीज दे रहा है कि बोट वगैरह उसको मानते हैं, तो यहाँ पर आप चेक करिए, तो एक्स माइनस वाई क्या है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वाई, तो 144/12 कर लीजिए, कितनी स्पीड आई, 12 स्पीड आई, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 144/12, ये आपका अपस्ट्रीम होता है, ये आपका डाउन स्ट्रीम होता है, बटे कितना दे रखा, 9 9, कितना हो जाएगा 16, तो 16 की स्पीड किसकी आई, आपकी डाउन स्ट्रीम की, सॉरी। तो एक्स, यहां से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आप वाई की निकालना चाहो तो माइनस कर दो सभी में, तो यहां से कितना आया, एक्स एक्स कैंसिल, तो -2y आया, दोनों प्लस करो तो यहां से -4 आया, तो माइनस से माइनस कट, वाई 2 से ये 2, तो वाई की वैल्यू कितना आया, 2 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है, 48 है, तो √3/4/2, 1 मिनट, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, साइड, सारी साइड इक्वल होती हैं, जो कि पेरिमीटर कितना होता है, 3 × a, 48 के बराबर, 48 के बराबर, 48 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से कट करो, 16 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 16, तो एरिया निकालना, एरिया क्या होता है, √3/4 a², तो निकालो √3/4 × 16 × 16 हो जाएगा, तो 4 से कट करो 4, तो 64/3 आपका क्या दे देगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि कॉस्ट ऑफ 32 पेन और 12 पेंसिल की कॉस्ट दे रहेगी, टोटल कॉस्ट 8 पेन और 3 पेंसिल की हमें निकालनी है, चलो जरूर निकालेंगे। 32 पेन को एक्स मान लेता हूं, पेंसिल को वाई, ठीक है, प्लस में 12 वाई कितना दे रहा था, 790 दे रहा था, और हमें क्या निकालना, 8x + 3y = 1, ये निकालना है, तो आप देखो क्या किया है, डिवाइड बाय 4, 32 से 8 बनाए, डिवाइड बाय 4, इधर भी डिवाइड बाय 4 किया है, तो मतलब क्या कर रहा है,
तो सेम प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय फोर कर देंगे। तो 790 डिवाइड बाय फोर आप करोगे तो 4 एकम 4 और 3 9 4 9 36, 3 0 728, ओके 0.5, 197.5 आपका राइट आंसर दे देगा ये। हाँ ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।